गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन टॉपिक चल रहा है। पिछले वीडियो में कंसंट्रेशन को डिफाइन किया गया है, उनके रिलेशन को डिफाइन किया गया है। अब कंसंट्रेशन पे न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं और कंसंट्रेशन पे न्यूमेरिकल तो हर साल आते हैं जी, बाकी चैप्टर्स के भी न्यूमेरिकल कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल को आप नहीं लगा सकते तो बाकी चैप्टर्स के भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, कि जब भी सोल्यूशन से रिलेटेड आएगा, कहीं भी सोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट बनेगा तो कंसंट्रेशन दिया हो सकता है। और कंसंट्रेशन की समझ आपके पास नहीं है तो पहले स्टेप में ही आप फंस जाएंगे। इसलिए कंसंट्रेशन पे न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट करें और बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करें जी। जैसे मैं क्वेश्चन फर्स्ट लेता हूं, फाइव ग्राम पर लीटर एससीएल है। 5 ग्राम पर लीटर एससीएल जी, ग्राम पर लीटर अगर रिप्रेजेंट है तो ये सोल्यूशन हो गया, क्योंकि बता रहा है कि पर लीटर सोल्यूशन में 5 ग्राम है कौन, एससीएल। आगे सोल्यूशन लिखा हो या ना लिखा हो, बट ये क्लियर हो गया कि सोल्यूशन है, क्योंकि कंसंट्रेशन गिवन है। और कंसंट्रेशन किसमें गिवन है, ग्राम पर लीटर में। इसको चेंज करना है, इसमें मैं अभी ऐसे कंसंट्रेशन लूंगा जिसमें इजिली चेंज हो जाए। जैसे मैंने कह दिया क्या परसेंट डब्ल्यू बाई वी में कितना होगा, जी हाँ, भार आयतन पर सत्ता में क्या होगा कंसंट्रेशन इसका, या इसका नॉर्मलिटी क्या होगी, नॉर्मलता क्या होगा, या ये पूछा जाए कि मोलारिटी क्या होगी, मोलारिटी क्या होगी, जी हाँ। तो परसेंट डब्ल्यू बाई वी में क्या कंसंट्रेशन होगा, नॉर्मलिटी में क्या कंसंट्रेशन होगा, या मोलारिटी में क्या कंसंट्रेशन होगा, अगर ये आपको पता करना हो, वेरी इजी, बहुत 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 इजी है। कैसे इजी है, इसको देखते हैं जी। 5 ग्राम पर लीटर, ये पर लीटर में है, और यहां को पता है पर 100 ml में है, ये पर 1000 में 5 ग्राम है, आप देखते ही बता सकते हो। और ये पूछ रहा है कितने में, पर 100 ml में कितना ग्राम होगा, चूंकि पर 1000 ml में 5 ग्राम है तो पर 100 ml में कितना होगा, जाहिर सी बात है 0.5 ग्राम होगा। अगर मैं कहूं कि परसेंट डब्ल्यू बाई वी कंसंट्रेशन आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आपको पता है डब्ल्यू बाई वी इंटू क्या होता है 100, और आपको गिवन कितना है, जाहिर सी बात है यहां पे डब्ल्यू कितना है, ये कहा क्या रहा है 5 ग्राम है कौन, एससीएल 5 ग्राम हो गया। वॉल्यूम कितना है पर लीटर है, तो 1000 ml हो गया, क्योंकि ml में रखना है, और तभी तो यहां पर ये 100 दिया गया है। अब ये कह सकते क्या हो जाएगा, आप साल करते हैं तो 0.5 ग्राम, जी हाँ, यानी कितना आंसर आ गया 0.5। सारे यूनिट को आप अंडरस्टूड कर देंगे, ये आपका परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी में क्या आ गया 0.5, यानी जो कंसंट्रेशन 5 ग्राम पर लीटर था, अब वो 0.5 पर क्या हो गया, परसेंट डब्ल्यू बाई वी कंसंट्रेशन हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, अगर इसी को हमें नॉर्मलिटी में अगर डिफाइन करना हो, वेरी इजी, नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता, आपको पता होना चाहिए नॉर्मलिटी है क्या, नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट पर लीटर, और ये क्या है ग्राम पर लीटर। ग्राम को इक्विवेलेंट में चेंज करना है, सिंपल, क्या करना पड़ता है याद करो, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना पड़ता है। इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में चेंज करना हो तो इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आपके पास नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी होती क्या है, इक्विवेलेंट पर लीटर, और इक्विवेलेंट पर लीटर यहां क्या गिवन है, ग्राम पर लीटर, अतः हमें ग्राम में अमाउंट में इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये वॉल्यूम एमएल में है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अब क्वेश्चन गिवन है 5 ग्राम पर लीटर, सोल्यूशन किसका, एससीएल का, तो 5 ग्राम पर लीटर में हमारे पास वेट कितना आ गया 5 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट, जी हाँ, इक्विवेलेंट वेट अगर निकालने नहीं आएगा तो नॉर्मलिटी के क्वेश्चन प्रॉब्लम करेंगे। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं भाई, तो पहले भी बता चुका हूं, अगर इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन यंग फैक्टर होगा,
और ये यंग फैक्टर डिपेंड करता है सॉलिड पर। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तो हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, 36.5 टोटल आ गया मॉलिक्यूलर वेट। और यंग फैक्टर, चूंकि ये आयनाइज होने के बाद हाइड्रोजन आयन कितना देगा? 1 एच आयन देगा। अतः इसका यंग फैक्टर कितना होगा? 1। इसकी बेसिटी यानी क्षारकता 1 हो गई, अतः इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 36.5। जी हां, इक्विवेलेंट वेट आ गया 36.5। और हमारे पास वॉल्यूम कितना है? चूंकि 5 ग्राम है पर लीटर में, तो वॉल्यूम को एमएम में लिखता हूं 1000, और इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया गया था क्योंकि एमएम में लिखना था। तो ये हमारे पास आ गई नॉर्मलिटी कितनी? 5136.5। यानी जो कंसंट्रेशन हमारा ग्राम पर लीटर में गिवन था, वही कंसंट्रेशन 5 ग्राम पर लीटर मैं HCl सॉल्यूशन बोलूं या मैं कहूं 5136.5 नॉर्मलिटी HCl सॉल्यूशन बोलूं, दोनों ही चीज है। ये कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में है और ये कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी में है। नेक्स्ट, अगर मुझे मोलैरिटी में इसको फाइंड करना हो तो आपको पता मोलैरिटी यानी मोलरता, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? ये पर लीटर ग्राम है और मोलैरिटी क्या बताता है? पर लीटर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलते हैं? अमाउंट में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, तो मोल हो गया। और पर लीटर में चाहिए, अगर ये एमएम में है तो 1000 से क्या कर दें? जी हाँ, हमारे पास अमाउंट कितना गिवन है? 5 ग्राम पर लीटर, यानी वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है और चूंकि हमें एमएल में रखना है अतः क्या हो जाएगा? 1000 एमएल। और मॉलिक्यूलर वेट क्योंकि यहां पे देखा गया हाइड्रोजन का 1, सीएल का 35.5, यानी कितना टोटल हो गया? 36.5, 36.5। और ये हमारा 1000 से क्या है? मल्टीप्लाई है। कैंसिल करते हैं, मोलैरिटी क्या आ गई भाई? 5136.5। अरे वही आई जो नॉर्मलिटी आई थी क्या? जी हाँ। क्यों आई? क्योंकि इसका एक्स फैक्टर कितना है? 1 है। और जिसका एक्स फैक्टर 1 होता है उसकी नॉर्मलिटी और मोलैरिटी दोनों क्या होती है? बराबर होती है। इस तरीके से हम एक कंसंट्रेशन को किसमें बदल लेंगे? दूसरे में। यही है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम को वॉल्यूम में ही रखना है। कहीं कहीं जैसे अगर इसमें किसी को अगर हम मोलैरिटी में चेंज करना चाहते तो फिर हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ती, थोड़ा सा हमें और दिमाग खर्च करना पड़ता। लेकिन अगर कांसेप्ट हमारा क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे जैसे भी घुमाए कोई दिक्कत नहीं, इजी होता है। बस कांसेप्ट को समझिए, आगे क्वेश्चन लेता हूं मैं। जी हां, जैसे मैंने लिख दिया 4%, यहां पे W by W मैंने लिख दिया और मेरे पास सॉल्यूशन है NaOH, इसको चेंज करना है जिसमें मैं पहले एक सिंपल से देता हूं परसेंट W by B या ग्राम पर लीटर या नॉर्मलिटी या मोलैरिटी, इनमें चेंज करता हूं। परसेंट डब्ल्यू बाई बी भार आयतन पर सत्ता, ग्राम पर लीटर संता, नॉर्मलता या मोलरता में, और किसको चेंज करना है? 4% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू NaOH कंसंट्रेशन को चेंज करना है। जी हाँ, 4% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू NaOH कंसंट्रेशन को चेंज करना है। अब सोचो ये भार पर सत्ता और ये सब आयतन में है तो बिना डेंसिटी के तो हो नहीं सकता। तो यहां पर सॉल्यूशन की जो डेंसिटी मैं लिख रहा हूं 1.2 रिलेटिव डेंसिटी होगी जी, तो उसमें यूनिट नहीं होता, उसी में ग्राम पर एमएल ऐड कर दो, डेंसिटी में चेंज हो जाएगा। इसको हिंदी में आधा लिखा रहता आप अच्छी घनत्व। जी हाँ, रिलेटिव होता है, इसका तो यूनिट नहीं होता। और चूंकि वाटर की डेंसिटी से रिलेट किया जाता है और उसको स्टैंडर्ड केस में 1 ले लेते हैं, इसलिए यहां पे 1 ग्राम पर एमएल से मल्टीप्लाई करो क्या मिल जाएगी? डेंसिटी मिल जाएगी। और 1 से मल्टीप्लाई करने पे
न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बट यूनिट क्या आएगा? ग्राम पर एमएम। ये हमारी सॉल्यूशन की डेंसिटी हो गई। ये गिवन हो, या तो डेंसिटी गिवन होगी या तो रिलेटिव डेंसिटी गिवन होगी। क्वेश्चन इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है, इजी है, कांसेप्ट को समझेंगे, चुटकियों में लगेंगे आंसर। जी अगर आप चाहते हो कि बहुत कम समय में लगाएं, तो उससे पहले कांसेप्ट सीखना जरूरी होता है। जी शॉर्ट अपने आप हो जाता है। परसेंट डब्ल्यू वाई का क्या मतलब हुआ? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100 पर 100 ml, ऊपर जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको पता है अमाउंट का, अगर मैं यहां पे बात करूं कि 4% WYW NaOH सॉल्यूशन से क्या मतलब निकलता है? 4% WYW का मतलब 4 ग्राम हमारा कौन है? NaOH। कितने में? 100 ग्राम सॉल्यूशन। जी हाँ, तो हमें पता चल गया कि हमारा सॉल्यूट कितना है। जी यही तो सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो पता चल गया हमें सॉल्यूट कितना है और सॉल्यूशन कितना है। लेकिन हमें सॉल्यूट तो अमाउंट में चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। और पता है अमाउंट को वॉल्यूम में अगर चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता है? तब पता है डेंसिटी को क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। और हमें क्या करना है? मास को वॉल्यूम में चेंज करना है। जी हाँ, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? जी ग्राम पर एमएल है। अगर ये हम ग्राम है और इससे डिवाइड कर दें तो यहाँ किस में आ जाएगा? एमएल में आ जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं क्या कि 100 ये ग्राम है और मैं इसमें क्या किया, डेंसिटी जो कि ग्राम पर एमएल में है उससे डिवाइड कर दिया, तो ये ग्राम से ग्राम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा कितना? 100 अपॉन डी एम एल। जी हाँ, जब भी अमाउंट को आपको बदलना हो किसमें? वॉल्यूम में, डेंसिटी से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपका आंसर किसमें? एम एल। अगर ग्राम में आपका सॉल्यूशन का अमाउंट रहा है तो, और डेंसिटी गिवन नहीं है ग्राम पर एम एल में, डेंसिटी कितनी है? 1.2। ये हो गया आपका एम एल। यानी अब यही आपका जो 4% सॉल्यूट डिजॉल्व था 100 ग्राम सॉल्यूशन में, अब वही हम कर सकते हैं कि 4 ग्राम सॉल्यूट इन एनएएच डिजॉल्व है 100 अपॉन 1.2 एमएल सॉल्यूशन में। जी 100 ग्राम इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.2 एमएल। ये कैसे चेंज हुआ? डेंसिटी से। और जब क्वेश्चन ऐसा देगा तो डेंसिटी गिवन होगी। अब यहां पे अगर ये 4 ग्राम इतने एमएल में डिजॉल्व है तो परसेंट डब्ल्यू वाई वी तो यही है ना भाई, क्या करेंगे? परसेंट डब्ल्यू वाई वी के लिए अमाउंट कितना? 4। वॉल्यूम कितना? 100 अपॉन 1.2 और मल्टीप्लाई 100 से। ये हो गया। अब जाहिर सी बात है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, होता कितना भाई? 4.8। ये आपका हो गया परसेंट डब्ल्यू वाई वी। यानी जो कंसंट्रेशन आपका 4% डब्ल्यू वाई डब्ल्यू था, वही किसका? NaOH का, वही कंसंट्रेशन हो गया आपका 4.8% WYV NaOH सॉल्यूशन। क्या ये अलग है? नहीं, एक ही सॉल्यूशन है, बस कंसंट्रेशन भी एक ही है, दोनों सॉल्यूशन एक ही स्ट्रेंथ के हैं, लेकिन ये कंसंट्रेशन WYW में है और ये कंसंट्रेशन WYV में है। ये भार प्रसत्ता में है और वो भार आयतन प्रसत्ता में है। जी हाँ, यूनिट चेंज करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज होगी। अब आप कैसे ग्राम पर लीटर में करोगे? बीजी है, क्योंकि सारी चीजें तो हो गई है। अगर हमें ग्राम पर लीटर में चाहिए तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन क्या होता है भाई? आपको पता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये एमएल में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। आपको पता है अमाउंट कितना है? 4 ग्राम किसका? सॉल्यूट का। वॉल्यूम कितना है? 100 अपॉन 1.2 एमएल किसका? सॉल्यूशन का। 7 तो हो गया भाई, क्या हो गया? 4। और ये कितना? 100 अपॉन 1.2 मल्टीप्लाई कितने से किए? 1000 से। ये आपका हो जाएगा 10 टाइम्स और ये आपका मल्टीप्लाई होगा 4.8 × 10, यानी कितना हो गया? 48। यानी 48 हो गया ग्राम पर लीटर। या अगर नॉर्मल टी में आपको चाहिए, इजी है, देखते चलिए, नॉर्मल टी में आपको चाहिए केवल डेंसिटी चेंज करने आना, डेंसिटी से मास को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में चेंज करने आना चाहिए। नॉर्मल टी चाहिए, नॉर्मल टी क्या होती है?
तुल्यांक पर लीटर, तुल्यांक कैसे निकलता है मात्रा में तुल्यांक की भार से भाग करने पर, और ये लीटर में नहीं है तो किससे होगा मल्टीप्लाई 1000 से। और आपको पता है अमाउंट कितना है सॉलिड का 4 ग्राम। और इक्विवेलेंट वेट, जी हाँ अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हो तो पहले मॉलिक्यूलर वेट लिख लो, मुझे तो पता है 40 आएगा। आप देख लो सोडियम का एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये तो हो गया कितना 40। और इसका यंग फैक्टर कितना, जाहिर सी बात एक ही OH आयन देगा, ये मेटल के साथ OH है, OH आयन देगा सॉल्यूशन में, अतः ये बेस है यंग फैक्टर एक। अतः मैं कह सकता हूँ कि वैलेंस वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन यंग फैक्टर, और मॉलिक्यूलर वेट 40 है। ये है जी हाँ, जो मोनोबेसिक होते हैं जिनकी क्षारकता या अम्लता एक होती है उनका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है। तो यहां पर 40 वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास निकला, क्योंकि वॉल्यूम नहीं पता था, मुझे पता था 4 ग्राम है 100 ग्राम में, उसको मैंने वॉल्यूम में चेंज किया 100 अपॉन 1.2 और इनटू 1000, ये हो गया 4 टेंजा और ये 0 0, ये सब कैंसिल हो गए, टोटल कितना आ गया 1.2। इतने इजी तरीके से आप मोलारिटी भी निकाल सकते हो, कैसे देखो कितना इजी है, कितना इजी है, एक एक सेकंड में लग जा रहा है। जी हाँ आपको समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज देखे तो तुरंत आंसर आ रहा है, मुझे तो पता है अमाउंट कितना है 4, इक्विवेलेंट वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट और सेम रहेगा कितना 40, और वॉल्यूम वही रहेगा, तो हम कह सकते जो नॉर्मलिटी आएगी वही तो मोलारिटी आएगी। और क्यों ना आए, क्योंकि इसकी बेसिटी कितनी है एक है, क्षारकता इसकी कितनी है एक है, और इसकी क्षारकता एक होती है, फैक्टर एक होता है, उसकी नॉर्मलता और मोलरता दोनों क्या होती है बराबर होती है। मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड, वॉल्यूम ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई, और ये 4 है और यहां पर मॉलिक्यूलर वेट 40 है, और वॉल्यूम हमारे पास 100 अपॉन 1.2 है, और ये आपका मल्टीप्लाई किया गया 1000 से, अतः पूरा आप सॉल्व करोगे तो आ कितना जा रहा भाई 1.2। जी इस तरीके से आप देखो तो परसेंट w / w को अगर बदलना, इसमें वेट को वॉल्यूम में बदलना, इसमें भी वॉल्यूम है, इसमें भी आता वॉल्यूम, इसमें भी वॉल्यूम आता है, इसलिए रिक्वायरमेंट किसकी होगी इंटेंसिटी की। और हमें ये क्या बता रहा है कि 4 ग्राम से कितने में, 100 ग्राम से में, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, अब मुझे चाहिए क्या वॉल्यूम सॉल्यूशन का। जी हाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, और जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए तो ये है कैसे, अगर हम इसमें डेंसिटी से डिवाइड कर दिए तो वॉल्यूम निकल गया। थोड़ा सा क्वेश्चन तो मैं और डिफर करूंगा। जी हाँ अब मैं वॉल्यूम दे करके मैं अमाउंट निकालना चाहूंगा, और वो अमाउंट इसमें भी हो सकता है, मोलल्टी में भी हो सकता है। जी हाँ ऐसे क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कंसल्टेशन पे बाकी क्वेश्चन कुछ फंसने वाले हैं। पॉज करें, नोट करें, जहां कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करें। अब मैं यहां पे परसेंट ये कर रख दिया, समझ आ रही चल जी, और यहां पर मैं अब परसेंट W/W पूछ रहा हूं, क्या कंसंट्रेशन होगा, क्या डेंसिटी जरूरत पड़ेगी, एस पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, क्योंकि भाई यहां वॉल्यूम है और यहां क्या है वेट है, पड़ेगी मोलारिटी, क्या डेंसिटी जरूरत पड़ेगी, जी मोलारिटी होती क्या है, जाहिर सी बात है ये मोलारिटी नहीं है, मोलारिटी है, और मोलारिटी मोल पर किलोग्राम, मोल किसका सॉल्यूट का, किलोग्राम सॉल्वेंट का, और आपको पता है वॉल्यूम गिवन है, पता है हमें अमाउंट चाहिए, डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे लगाएंगे देखते हैं। परसेंट W/W मैं इसको साफ करता हूं, क्वेश्चन मोलारिटी, मोलारिटी को आपको माइंड में रखना होगा कि क्या मोलारिटी होती है, पहले उस पर आते हैं परसेंट W/W। तो परसेंट ये 4% W/W NaOH सॉल्यूशन, क्या मतलब है 4 ग्राम 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व है कितने में भाई, जी परसेंट यानी 100 ग्राम की वॉल्यूम, जी V है तो 100 ml NaOH सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, तो 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व है 100 ml NaOH में, और हमें क्या चाहिए, जी वेट में चाहिए, यहां भी वेट में चाहिए, और ml को अगर हम क्या करें, जी हमारा डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है और 100 ये ml है, मैं अगर
1.2 यानी डेंसिटी जो ग्राम पर एमएल में है उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो एमएल से एमएल कैसे हो जाएगा जी 100 इनटू डी ग्राम तो आएगा। जब भी आपको वॉल्यूम में को बदलना हो अमाउंट में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो और डेंसिटी हमारी 1.2 है तो हम कह सकते हैं कितना आ गया भाई 120 ग्राम। ये हमारा कौन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। अब ये देखो 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व 100 ml में जी, क्योंकि ये परसेंट W/B में था तो 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml NaOH सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, या मैं कहूं 100 into 1.2 ग्राम यानी 120 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है तो सॉल्वेंट बता दो भाई विलायक कितना होगा। अरे तो इजी है, सॉल्यूशन कितना है 120 ग्राम, सॉल्यूट कितना है 4 ग्राम, सबट्रैक्ट कर दो ना दोनों तो ग्राम में ही है, कितना आ जाएगा 116 ग्राम, यही तो हमारा सॉल्वेंट है। ओके अब क्या करें, अब जो पूछा उसको लगाते हैं क्योंकि उसी के लिए तो किया मैंने, क्योंकि यहां भी वेट की जरूरत पड़ेगी सॉल्यूशन के और यहां जरूरत पड़ेगी सॉल्वेंट के। सॉल्यूशन का वेट पता चल गया 120 ग्राम और सॉल्वेंट का पता चल गया 160 ग्राम, इजी हो गया। ओके देखते हैं कैसे लगता है ये। अब यहां देखते हैं मुझे परसेंट W/W समझते हैं क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट बिले की मात्रा और किस में ग्राम में अगर है तो इसे भी ग्राम होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन पर 100 तो 100 से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्लियर है कितना है 4 ग्राम और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम मल्टीप्लाई 100 टाइम्स कैंसिल हुआ 4 3 जा क्या आ गया भाई परसेंट W/W 10/3। जी हां जो कंसंट्रेशन यहां गिवन था 4% W/V NaOH सॉल्यूशन वही अब हो गया 10/3% W/V NaOH। नेक्स्ट मोलरिटी निकालनी है, देखिए कितने ही तरीके से मोलरिटी क्या था अमाउंट नहीं पर किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट और कैसे मोल निकलेगा तो अमाउंट में मॉलिक्यूलर वेट से क्या करें मोल निकल गया सॉल्यूट का और ये अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर किलोग्राम अगर ग्राम है तो 1000 से मल्टीप्लाई सब तो पता है कितना है सॉल्यूट 4 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 40 जी हाँ 40 तो आएगा और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है निकाला गया था सॉल्यूशन के अमाउंट में से सॉल्यूट के अमाउंट को घटा के कितना 160 और यहां मल्टीप्लाई कितने से करनी है 1000 से ये 4 टेंजा ये कैंसिल हो गया यानी मोलरिटी क्या आ गई भाई तो मोलरिटी आ गई कितनी 100/160 और सब कर लेते हैं ठीक है 4 से क्या डिवाइड होगा ये जी हाँ और जी 29 हो जाएगा और ये 25 क्या गया 25/29 ये मोलरिटी आ गई कितनी 25/29 तो जो कंसंट्रेशन जी जो कंसंट्रेशन परसेंट W/V में था वो कंसंट्रेशन परसेंट W/W में कितना हो गया 10/3 जो कंसंट्रेशन W/V में 4% था मोलरिटी में कितनी आ गई 25.29 जी हाँ यहाँ डेंसिटी रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में हैं उनको भी लगाएं आप जो ना आए क्वेश्चन को आप पिक करके भेज दीजिए व्हाट्सएप पे मेरे उनका सोल्यूशन मैं दे दूंगा और बाकी क्वेश्चन भी अटेंड करना सिखाऊंगा ठीक है ना कंसंट्रेशन अच्छी तरह से आना चाहिए कंसंट्रेशन में कोई भी न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम करता है तुरंत भेजें जी हाँ ओके थैंक यू।